दोस्तों, वेलकम माय चैनल। बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है आज। ITVP हेड कॉन्स्टेबल के लिए वैकेंसी आई है। बहुत बड़ी पोस्ट है, 248 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जो कि हेड कॉन्स्टेबल की होने वाली वैकेंसी है आपकी। देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन है इसमें, कौन सी डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या मांगा है, देखते हैं विद नोटिफिकेशन के साथ देख लेते हैं। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट हैं इसमें। ये आपका फॉर्म 8 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 8 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 8 जून 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट रहेगी आपकी 7 जुलाई 2022 तक। ओके भाइयों, और जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस रहेगी इसमें, जो कि आप लोग को नेट बैंकिंग से, नेट बैंकिंग है, पेमेंट मोड जो भी रहेगा, UPI डेबिट से जैसे पेमेंट करवाते हैं आप लोग करवा सकते हैं। और इसमें एज लिमिट देख लेते हैं क्या रहेगी। मिनिमम इसमें आपकी एज रहेगी 18 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष रहेगी एज आपकी, और मैक्सिमम आपकी एज रहेगी 25। और जो ITBP में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए एज रहेगी 35। और जो छूट मिलेगी वो आपको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। जो SC और ST वाले भाई हैं उनको जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है, उन्हें जो गवर्नमेंट देती है उसके हिसाब से छूट मिलेगी। ओके, और जो ITBP में जॉब कर रहे हैं, जिनकी सर्विस को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, 3 ईयर कंप्लीट हो गए हैं, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके भाइयों, और देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लेते हैं, कितनी कितनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है इसमें। हेड कॉन्स्टेबल मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए होने वाली वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए मेल में 55 वैकेंसी होने वाली है और फीमेल में 10 होने वाली है, SC में 22 होने वाली है मेल के लिए, ST में 20 होने वाली है। हेड कॉन्स्टेबल मेल की बात कर रहे हैं, जिसमें ST कैटेगरी के लोगों के लिए 20 पोस्ट हैं, OBC के लिए 22 है, और EWS के लिए 14 वैकेंसी है। ओके भाइयों, फीमेल के लिए इसमें 10 है, जनरल कैटेगरी वाले के लिए, SC में 4 हैं, ST में 3 है, OBC के लिए भी 4 हैं, और EWS के लिए भी 2 है। और हेड कॉन्स्टेबल LDCE के लिए जनरल में 74 हैं, SC में 8 है, ST में 8 है, OBC और EWS में खाली वैकेंसी है। ओके, कोई वैकेंसी नहीं है। देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नोटिफिकेशन में, इसमें पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। ये जो ऊपर का डेट है ये बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ये सारा उनका मैटर लिखा हुआ है, जो भी पे स्किल मैट्रिक्स वगैरह बताए रखे हैं कितना कितना लगेगा, एक बार फिर भी बता देते हैं आप लोगों को। ये ITBP फोर्स से एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है, जो कि इंडियन सिटीजन के लिए है, इसमें नेपाल भूटान के भी इंक्लूड हैं। ओके, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें हेड कॉन्स्टेबल के लिए वैकेंसी है, जो कि कॉम्बिनेंट मिनिस्ट्रियल के अंदर आती है, ठीक है। और ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसकी पे मैट्रिक्स होगी 25,500 से लेके 81,100 रुपये तक। ओके, एज पर 7th CPC के। देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है इसमें। दूसरे में डिटेल दे रखी हैं वैकेंसी वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी हैं, जो कि हम अभी बता के आए हैं आगे, ठीक है। और बी पॉइंट में दे रखा है, जो सर्विस कर रहे हैं अभी ITBP में, सर्विस पर्सनल हैं, उनके लिए वैकेंसी ये दे रखी है, जो कि टोटल वैकेंसी होने वाली है 90 है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 3 इसमें
क्या क्या चाहिए है। हेड कॉन्स्टेबल के लिए आप लोगों की एज होनी चाहिए जो कि 18 से 25 साल होनी चाहिए, और एससी एसटी वालों के लिए जो भी छूट होगी गवर्नमेंट की तरफ से वो छूट दी जाएगी। ओके भाइयों, जो जैसे एससी वाले भाइयों को 5 साल और एसटी वाले भाइयों के लिए 5 साल की छूट होती है, वो आप लोगों को छूट मिलेगी। ठीक है, इसमें एजुकेशन क्या चाहिए, इसमें इंटर और सीनियर सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th प्लस 2 एग्जामिनेशन चाहिए, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, मिनिमम 12th पास होना चाहिए। ओके भाइयों, और स्किल टेस्ट नॉर्म्स इसमें दे रखे हैं जिन लोगों के लिए स्किल टेस्ट नॉर्म्स हैं। इसमें टाइपिंग स्पीड 35 पर वर्ड्स पर मिनट्स इन इंग्लिश और मिनट्स इन हिंदी ओनली ऑन कंप्यूटर्स। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो 35 पर मिनट्स वर्ड चाहिए आपको। ठीक है, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग कर रहे हो तो आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग चाहिए। ओके, ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अब देख लेते हैं हेड कॉन्स्टेबल CM और LDCE जो कि केवल और केवल ITBP में सर्विस दे रहे हैं उन भाइयों के लिए है, वो लोग इसमें भर सकते हैं। ओके, और ये वैकेंसी आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी, बहुत अच्छी जॉब है, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आप लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद भाइयों।